बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बीजेपी की ओर से सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के इस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और उन दोनों ने मिलकर इस बार जो 3 वोट दिए जाने हैं, यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद, इन तीनों जो पद हैं, इन तीनों पर अपने मतों के अधिकार का इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी खुशी है कि जो इस बार जो जनता है वो सीधे मेयर को चुनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है, तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो जो भी विजयी होंगे, पटना की साफ सफाई में बढ़िया से काम करें, दिल खोलकर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं नितिन गडकरी से मिला था दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे आग्रह पर स्वीकार किया है कि पूरे अनीशाबाद से दीदारगंज का जहां आपका टोल टैक्स है वहां तक ऊपर से सड़क बनने को उन्होंने DPR बनाने का निर्देश दे दिया है, ताकि बहुत जाम होता है, बाकी होता है। तो पटना में बड़े बड़े काम हों, मेट्रो लाने में मेरी कुछ भूमिका रही, जो पूरा अटल पथ बना है इसमें रेलवे, पीयूष गोयल मंत्री थे, उनसे दबाव आग्रह करके वो ज़मीन ली गई, अच्छी सड़क बन गई है। और काम करने की ज़रूरत है, हम सभी मिलकर करें और नगर निगम के जो लोग जीतें वो उत्साह के साथ काम करें, ये मेरी अपेक्षा है। आज के दिन मैं शुभकामना देता हूँ। सीधे तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार जनता सीधे जो है वो मेयर का चुनाव करेगी और विकास होगा, बदलाव होगा, और इसी बदलाव को लेकर, विकास को लेकर, पटना का किस तरह से विकास हो इसी को लेकर हमने मतदान किया है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।